News 18, India. और वही पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर लगातार सियासत जारी है। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संदेश खाली की घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना पूरे देश और मानवता को शर्मसार करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडों और अपराधियों को पुलिस का संरक्षण है, पुलिस को मुख्यमंत्री और सरकार का संरक्षण है, पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो घट रहा है वो मानवता को शर्मसार करता है। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं को सामने आना और उनकी सुनवाई ना हो, और ये संदेश खाली से ये जो आवाज़ें दबाने का काम, मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम ममता जी की सरकार कर रही है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका गला घोंटने का काम मत कीजिए। गुंडे हो तो उनके पुलिस का संरक्षण, और पुलिस हो तो उस पर मुख्यमंत्री का संरक्षण। आखिरकार ये पश्चिम बंगाल की महिलाओं को कब तक सहना पड़ेगा? ये संदेश खाली का संदेश आज पश्चिम बंगाल की गली गली जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। हेमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में जो हुआ वो कई सालों से वहां चला आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग चुप नहीं बैठने वाले, संदेश खाली के कारण ही ममता बनर्जी और टीएमसी का पतन होगा और नतीजा आने वाले चुनावों में दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल का हालत काफी खराब है। जो पत्रकार सही रिपोर्टिंग करने का कोशिश कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, और संदेश खाली में जो घटना हो रहा है वो भारत वर्ष में ऐसा घटना हो सकता है लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है। मेरा विश्वास है कि कानून भी काम करेगा अपना, और जो सरकार इतना अत्याचार करता है माता का ऊपर, बहनों का ऊपर, पत्रकार का ऊपर, वो सरकार बहुत दिन नहीं चलेगा, ये मेरा विश्वास है। और इसके पहले कल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना के संदेश खाली पहुंचे थे। पीड़ित महिलाओं से पहुंचकर मुलाकात उन्होंने की। पीड़ित महिलाओं ने शुभेंदु अधिकारी को अपनी आप बीती सुनाई। कोलकाता हाईकोर्ट की इजाजत के बाद शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली का ये दौरा करने की इजाजत मिली थी। शुभेंदु संदेश खाली पहुंचे तो उनका वहां पर जमकर स्वागत भी किया गया। संदेश खाली के लोगों ने शुभेंदु पर फूल बरसाए, उनसे गले लगकर अपना दर्द बांटा। ये उसी वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे संदेश खाली, और वहां पहुंचकर जो पीड़ित महिलाएं थी उनके साथ भी मुलाकात उन्होंने की, और पीड़ित महिलाओं ने बाकायदा अपने दर्द को बयां किया। तो तीन तस्वीरें आपके सामने, शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट की इजाजत के बाद पहुंचे संदेश खाली, और कैसे वहां पर उनका स्वागत किया गया, फूल बाकायदा उनके ऊपर बरसाए गए, मतलब लोग उनका काफी वक्त से वहां पर इंतजार कर रहे थे। यह अलग बात है कि उन्हें रोका जा रहा था संदेश खाली पहुंचने से। और तीसरी तस्वीर, पीड़ित महिलाएं जो वहां की थी, शुभेंदु अधिकारी उनसे मिले, क्या कुछ उनके ऊपर अभी तक बीता है, जो जुल्म हुआ है वो पूरी दास्तान यहाँ जो महिलाएं थी उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को बताई। अब एक और दौरा शुभेंदु अधिकारी का संदेश खाली में 26 तारीख को रहने वाला है। ये खबर भी संदेश खाली से जुड़ी, जहां मानव अधिकार उल्लंघन की फैक्ट फाइंडिंग टीम 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएगी। ये हाई पावर कमेटी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली भी जाएगी। टीम का जो दौरा है वो 24 और 25 फरवरी को होगा। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में रिटायर्ड जज शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, सिविल सोसाइटी के सदस्यों को शामिल किया गया है, जिन पर जिम्मेदारी कि जितने भी फैक्ट्स हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए उनको सामने लाया जाए, क्योंकि मौजूदा सरकार तो ये कह चुकी है कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, हम गए हैं, पुलिस गई है, पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि यौन उत्पीड़न का मामला सामने आए, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम गई है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, पूर्व जज भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि टीम के हाथ क्या कुछ लगता है संदेश खाली के इस मामले से जुड़ा हुआ।
और उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी संदेश खाली पर बयान अब सामने आ गया। सचिन पायलट ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर फौरन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कोई भी शासन हो, किसी पार्टी का हो, अगर कहीं कुछ गलत होता है, कुकर्म होता है, शोषण होता है, अपराध इस प्रकार का होता है और प्रकाश में आता है, उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हों, और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सत्ता में कौन सा दल है, कौन सा है नहीं, लेकिन इंसान सब मतदाता सभी के होते हैं, अगर कहीं कुछ गलत काम होता है, चाहे किसी दल की पार्टी की सरकार हो, कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी पार्टी की हो लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए। सचिन पायलट कांग्रेस नेता, अब उनकी तरफ से बयान सामने आया, मतलब टीएमसी को, ममता सरकार को बीजेपी तो घेर ही रही है, अब कांग्रेस भी आड़े हाथों लेती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। सचिन पायलट ने कहा भेदभाव नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो लेकिन अगर ऐसी कोई भी घटना सामने आती है एक्शन इस पर जरूर होना चाहिए। और चलिए अब आपको संदेश खाली की घटना से जुड़ी हुई बड़ी बातें और अपडेट बता देते हैं। देखिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली का दौरा किया है कल। पीड़ित महिलाओं से शुभेंदु अधिकारी मिले और महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई। 26 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से संदेश खाली जाने वाले हैं, दूसरा उनका दौरा रहेगा। संदेश खाली पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई। चीफ जस्टिस ने संदेश खाली पर तल्ख टिप्पणी की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सरेंडर करने का भी आदेश दिया है, क्योंकि कहां वो है किसी को पता नहीं है, ढूंढ भी नहीं पा रही है पुलिस। मानवाधिकार उल्लंघन की फैक्ट फाइंडिंग टीम अब पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और हाई पावर कमेटी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली भी जाएगी। 24 और 25 फरवरी को 2 दिन के लिए टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करने पहुंचने वाली है। और टीएमसी नेता शाहजहां शेख पुलिस की पहुंच से अब तक दूर है, कहां है किसी को पता नहीं। अपडेट आपको बता दिया हमने, अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में संग्राम मचा क्यों हुआ है। शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी आपको बताते हैं कि कैसे कुछ महिलाएं सामने आती हैं। जब शाहजहां शेख पर ईडी की टीम पहुंचती है और वो फरार हो जाते हैं, उसके बाद अपनी आप बीती सुनाती हैं कि कैसे उनको परेशान किया जाता। 7 फरवरी को टीएमसी की रैली के बाद ये आग भड़की थी। महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए। शेख पर महिलाओं को देर रात को टीएमसी दफ्तर में बुलाने का आरोप लगता है। शेख के साथियों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगता है। 9 फरवरी की रात को पुलिस ने वहां धारा 144 लागू कर दी और पुलिस ने उसके बाद बीजेपी के जितने नेता जाते हैं उन्हें दौरा करने से रोक दिया जाता है। जो 6 सदस्यों की टीम पहुंचती है उन्हें भी रोक दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कमीशन ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तक कर दी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक फरार है, जिस पर कल कलकत्ता हाईकोर्ट ये कहता है ये शर्मसार कर देने वाली बात है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगर एक भी सच्चाई है, इतनी सी भी सच्चाई है इन पूरे आरोपों में, तो शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए था।